ठूस ठूस के स्कॉर्पियो कौन कौन गाड़ी में ले जाया गया, होटल में, रेस्ट हाउस में, विवाह भवन में रखा गया और आंसर रटवाया गया, क्वेश्चन रटवाया गया एक रात पहले। ये ऑप्शन देख के टिक नहीं मार सकता है, रात भर रटा है फिर भी देख ऑप्शन नहीं रट सकता है तो लिख के बाद में ले गया है और बाथरूम जाने के बहाने देख के आता है, 10 क्वेश्चन बनाता है। इस तरह की घटना बिहार में हुई है, खुलेआम हुई है और सरकार को कुछ पता नहीं है। कब तक इस तरह से चलता रहेगा, कब काहे नहीं शिक्षा माफिया पर कठोर कार्रवाई करते हैं, स्पीडी ट्रायल करके क्यों नहीं उसको सजा देते हैं। अभ्यर्थियों ने हर जिला से हमें सूचना दिया था कि उसके लॉज का लड़का 2-3 गो गायब है, 4 गो गायब है, जबकि उसका सेंटर उसी के साथ था और बोला था पहले कि साथ में एग्जाम देने जाएंगे और 2 दिन से गायब है, मोबाइल ऑफ है। ये सारा आंसर मैच कर रहा है, 2 पेज का है, ये 3 पेज में है। 3 पेज बीपीएससी शिक्षक भर्ती TRE3 का जो पेपर है वो लीक हो चुका। अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार है, बातें करेंगे। तेजस्वी यादव के सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ, TRE2 TRE1 नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सरकार बदली जो है कि पेपर लीक हो गया। तेजस्वी तो बड़ी मजा ले रहे हैं सर। सरकार से यहाँ कोई मतलब नहीं है, किसकी सरकार रहे, गठबंधन में कौन है, कौन उप मुख्यमंत्री, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब विपक्ष में रहने के बाद लोग अपना ये करते हैं, हर कोई नेता करता है, वो अलग चीज़ है। तेजस्वी यादव जी जब सरकार में थे, उप मुख्यमंत्री थे, सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ था, BSSC CGL3 का हुआ था, हमने लाठियां खाई है उनके सरकार में। तो ये विपक्ष में रहने के बाद सब बोलते हैं। TRE1 TRE2 में भी बहुत गड़बड़ी हुई, उसके लिए भी हमने आंदोलन किया तो हमें लाठियां मिली। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय भी तेजस्वी नहीं बोले 25 अक्टूबर 2023 को। तो ये विपक्ष में रहने के बाद लंबी लंबी बातें सभी नेता बिहार के करते हैं, सरकार में आने के बाद भूल जाते हैं। बिहार का कोई नेता, कोई पार्टी अगर ईमानदारी से अस्टूडेंट के साथ है तो आवे हमसे बहस कर ले बिहार के समस्त मीडिया के सामने। दिलीप कुमार तैयार, हम चुनौती दे रहे हैं बिहार के सभी नेता को, सभी पार्टी को, अगर कोई भी स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, कोई भी नेता बिहार का, आ जाए हमसे बहस कर ले, डिबेट कर ले सारे मीडिया के सामने। इतना खुली चुनौती हम दे रहे हैं, कोई नेता नहीं साथ है। आपके हाथों में जो आंसर किया ये कहां से मिला आपको, ये बताइए। ये आप सबको पता है, 300 हजारीबाग में पकड़े गए। बिल्कुल, ये तो सिर्फ उदाहरण है। बिहार के हर जिले में, मतलब जो होता है ना, जो ठूस ठूस के कहते हैं ले जाया जाता है बराती में या कहीं भी रैली में, उस तरह से ठूस ठूस के स्कॉर्पियो कौन कौन गाड़ी में ले जाया गया, होटल में, रेस्ट हाउस में, विवाह भवन में रखा गया और आंसर रटवाया गया, क्वेश्चन रटवाया गया एक रात पहले। और इतना भोंदू आदमी टीचर बनेगा जो कि ये ऑप्शन देख के एग्जाम में नहीं मार सकता है टिक, वो लिख के ले गया यहाँ एग्जाम हॉल के अंदर। आप सोचिए वो क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था होगी भाई, जो ये ऑप्शन देख के टिक नहीं मार सकता है, रात भर रटा है फिर भी देख ऑप्शन नहीं रट सकता है तो लिख के बाद में ले गया है, चीट पुर्जा बना के ले गया है और बाथरूम जाने के बहाने देख के आता है, 10 क्वेश्चन बनाता है। इस तरह की घटना बिहार में हुई है, खुलेआम हुई है और सरकार को कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं। आर्थिक अपराध इकाई को हम धन्यवाद देते हैं, नैयर हसनैन खान सर को हम धन्यवाद देते हैं कि जब से वो आए हैं आर्थिक अपराध इकाई, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो भी सूचना दिया है, जब भी दिया है, त्वरित कार्रवाई वो लोग करते हैं। हमने कई पुलिस अधिकारी को फोन किया, कोई फोन तक रिसीव नहीं किए, नहीं तो और भी मामला उजागर हो सकता था, नहीं किए। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई ने एक्शन लिया, हमने जो सूचनाएं दी बहुत एक्शन लिया गया है, अभी भी काम चल रहा है। और ये जो है ये किसी ने हमें भेजा नहीं, मतलब हमें बताया तो हमने उनको कहा कि आर्थिक अपराध इकाई को भेज दीजिए, हमने नंबर दिया, हमने उनको समझाया आपको डरने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने आर्थिक अपराध इकाई को 1:24 पे भेजा। अब उनके पास कब कैसे आया ये मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने 1:24 पे भेजा आर्थिक अपराध इकाई को। हमने उनके मोबाइल में खुद देखा है कि 1:24 पे भेजा हुआ है, आज मैंने देखा, तब हम इस चीज़ को उजागर कर रहे हैं। और ये तो 300 लोग पकड़े ही गए हैं तो उससे तो भी खुलासा होगा। ये सारा आंसर मैच कर रहा है, 2 पेज का है, ये 3 पेज में है, 3 पेज में, ये तीन पेज सारा डॉक्यूमेंट एकदम एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम बिना एविडेंस के नहीं बोलते हैं, हम निष्पक्ष आदमी हैं, निरपेक्ष आदमी हैं। सरकार किसी की भी रहे, आप देख लीजिए ना, 2 महीना पहले किसी और की सरकार थी ना, 17 महीने तेजस्वी जी सरकार में थे, उस समय भी पेपर लीक हुआ तो हम लड़े ना जी, उन्हीं की सरकार में लाठी भी खाए। बीजेपी भी सरकार में थी 67वीं का जब पेपर लीक हुआ, उस समय भी हम लाठी खाए हैं। तो सरकार में कौन पार्टी कौन नेता उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है सरकार अच्छा काम करेगी हम तारीफ करेंगे, गलत होगा हम विरोध करेंगे। यही BPSC है ना, जिस भी ऑफिस में जाके हम तारीफ किए थे BPSC का, लेकिन आज गलत हो रहा है तो हम विरोध करें। रंजीत नाम का व्यक्ति है, ये कौन है रंजीत, BPSC ऑफिस के अंदर स्टाफ है, कोई स्टाफ है, अधिकारी जो भी हो, हो सकता है स्टाफ हो, अधिकारी हो, या ऐसे ही रहता हो, ये तो सरकार जाने, उसकी जांच करवाए। और रंजीत नाम का ये व्यक्ति इतना मतलब पावरफुल है कि वो खुलेआम बोलता है
कि कोई कुछ नहीं कर सकता, हमको जो मन होगा करेंगे, पैसवा भेजो ना, डायरेक्ट नंबर चढ़ा देंगे या पास करवा देंगे। टीआरई 1 टीआरई 2 में भी मुझे लगता है इस तरह का खेल इसने किया है। टीआरई 1 टीआरई 2 में भी एक अध्यक्ष और सचिव या कोई भी ईमानदार हो जाए, और नीचे के लोग अगर बेईमान होंगे, जो मार्क्स चढ़ाएगा, अंक चढ़ाएगा, अगर वो 50 को 90 चढ़ा देगा तो चेयरमैन एक एक आदमी का नहीं देख सकते हैं कोई भी। इसलिए बीपीएससी ऑफिस हो या कोई भी हो, हर व्यक्ति को ईमानदार होना पड़ेगा। इस रंजीत नाम के व्यक्ति की जांच हो कि क्या इसकी संलिप्तता है या नहीं है। जेडी वुमेन्स कॉलेज के आसपास कहीं रहता है, 67वीं बीपीएससी के समय भी इसका नाम आया था, 56वीं 59वीं 64वीं सब में, इसके 66वीं में सबका इसका नाम आ रहा है सब में, कि बाहर ले जाकर ये क्वेश्चन आंसर रटवाता है, मेंस की कॉपियां लिखवाता है बीपीएससी का, इतना तक बात आया है सामने। अभी तक कार्रवाई क्या नहीं हो पा रही, ये तो सरकार से आप लोग को सवाल करना चाहिए। हम तो सरकार नहीं, हमारे पास क्या पावर है। हम घर से आते हैं तो हमारे पास आने के लिए पैसा नहीं रहता है, किसी से लेके पैसा तब घर आते हैं, सोचना पड़ता है। ये तो सरकार से आप लोग सवाल कीजिए कि बिहार के ये लाखों स्टूडेंट के साथ कब तक इस तरह से चलता रहेगा, कब काहे नहीं शिक्षा माफिया पर कठोर कार्रवाई करते हैं, स्पीडी ट्रायल करके क्यों नहीं उसको सजा देते हैं। स्पीडी ट्रायल करके सजा देना चाहिए ना, लेकिन सब घूम रहा है। 67वीं बीपीएससी में हमने जान पे खेल कर उजागर किया और आज वो सभी लोग नौकरी कर रहे हैं, घूम रहे हैं। क्या खेल चल रहा है भाई, कब तक हम अपनी जान पे खेलते रहेंगे भाई। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम सर पे कफन बांध के चले हैं, जो करना है जिसको करें, हम गलत होगा उजागर करेंगे। एग्जाम से 2 दिनों पहले आपके पास एक खबर आया था कि 10 से 12 लाख रुपए में डील हुई। बिल्कुल, हमने वीडियो भी जारी किया, अभ्यर्थियों के द्वारा हमें सूचना दी गई थी। अच्छा। क्योंकि मेरा नंबर सबके पास है, स्टूडेंट के पास है, हम 8-10 साल से लड़ रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए और हर गलती का विरोध करते हैं। तो अभ्यर्थियों ने हर जिला से हमें सूचना दिया था कि उसके लॉज का लड़का 2-3 गायब है, 4 गायब है, जबकि उसका सेंटर उसी के साथ था। और अच्छा। बोला था पहले कि साथ में एग्जाम देने जाएंगे। हाँ। और 2 दिन से गायब है, मोबाइल ऑफ है, तो डाउट हो गया, तो डाउट हुआ। तो इस तरह की बातें हर जिला से आने शुरू हो गया। और एग्जाम से एक दिन पहले 10-10 लड़का, 20-20 लड़का, 15-15 लड़का गाड़ी में एक साथ जा रहा है, उसका मोबाइल जब्त किया जा रहा है। जो शिक्षा माफिया है, सेटर है, वो रख रहा है एक जगह, मोबाइल रख ले रहा है स्विच ऑफ करके, ताकि ये कहीं बात न कर पाए, लीक न करे कुछ। तो इस तरह से काम चला है। 24 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक पेपर जो है कि कैंसिल नहीं किया, क्या लगता है कैंसिल हम होगा? सरकार से मांग कर रहे हैं परीक्षा रद्द हो और इस पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच हो और स्पीडी ट्रायल करके 3 से 6 महीना के अंदर सबको कानूनी सजा मिले, संपत्ति जब्त हो, नौकरी में है तो नौकरी से बर्खास्त करे, आर्थिक दंड 1 करोड़ रुपये का लगाए, 1 करोड़ से ऊपर का लगाए, आर्थिक दंड भी लगाए, ऐसा कानून बनाए और जल्द से जल्द इस पर सजा मिले। और अमरिंदर कुमार जो बीएसएससी का भी मेंबर बने हुए हैं, पहले परीक्षा नियंत्रक थे बीपीएससी के, उनके और ये रंजीत जो है उसके संपत्ति की जांच हो, इन लोगों के बीच क्या संबंध है उसकी जांच हो, और बीपीएससी ऑफिस के अंदर और भी लोगों की संलिप्तता की जांच हो, बाहर के लोग भी, आईएएस आईपीएस, बहुत रंजित है ये, बहुत रंजित है बिहार में जो इस तरह का खेल ही कर रहा है, सबकी जांच होनी चाहिए। चलिए, भी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार जी थे, बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत है अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।